आज की महफिल में हम मीर तकी मीर की जिस गज़ल पर बात करेंगे उसका पहला शेर है क्या दिन थे वो कि यहाँ भी दिल आर्मीदा था रू आशियां तार रंग परिदा था इसमें मुश्किल लफ्ज़ जो हैं वो एक तो आर्मीदा है ये आराम से इकलह आराम करने को कहते हैं रू कहते हैं चेहरे को आशियां कहते हैं घोंसले को या रहने की जगह को तायर कहते हैं परिंदे को रंग परिदा का मतलब है जिसका रंग उड़ा हुआ था फरमाते ये हैं कि चेहरे के रंग को तायर से तस्बी देना कोई नई बात नहीं है बल्कि चूंकि रंग के साथ उड़ना भी मुश्तमिल है इसलिए महज रंग को तायर से तस्बी देना आम है शेर में दो बातें नई हैं अव्वल तो ये कि चेहरे को तायर रंग का आशियाँ का है दूसरे ये कि तायर रंग पुरीदा की तरकीब इस किस्म की है जिसे हम आम तौर पर गालिब से मखसूस समझते हैं यानी इस को दो तरह पढ़ सकते हैं या तो तायर को रंग परिदा का मौसू समझिए या तायर रंग को मजाक फ़र्श कीजिए पहली सूरत में मुराद होगी वो तायर जिसका रंग पुरीदा है यानी जिसका रंग वो परिंदा जिसका रंग उड़ चुका है दूसरी सूरत में मुराद होगी तायर रंग जो अब उड़ गया है पहली सूरत में तो इसको आप मरकब तोसीफ़ी कह सकते हैं और दूसरी सूरत में इसको इजाफी कह सकते हैं दोनों मिसरों में मुकाबला या तकबुल भी खूब है जब दिल आर्मीदा था तो चेहरा भी रंग के तायर के लिए आशियाना था आशियाना जहाँ तायर आराम करते हैं अब यह आपको बताया है दिल का आराम गया तो तायर ने भी आराम करना छोड़ दिया यानी परिंदे ने भी आराम करना छोड़ दिया तो पहले मिसरे का इंशाइ अंदाज़ बयान और यहाँ का इस्तेमाल भी खूब है यहाँ के दो माने हैं एक तो ये कि हमारे पास और दूसरे ये कि हमारा यानी हमारे पास भी या हमारा भी दिल आर्मीदा था दिल सुकून में था पहली सूरत में आर्मीदा दिल कोई ए, ऐसी चीज़ ठहरता है मरई चीज़ ठहरता है दूसरी सूरत में तो एक ज़हनी सूरत हाल है अब पूरे शेर में इशारे ही इशारे और कनाए ही कनाए हैं क्योंकि गुज्त सूरत हाल बयान करके मौजूदा सूरत हाल की तरफ इशारा कर दिया है। दूसरा मिसरा बल्कि पूरा मतला ही इस रंग में है यानी ख़्याल बंदी है जिसे हम गालिब से मखसूख करार देते हैं जाहिर है कि गालिब ने मीर से बहुत कुछ सीखा है और वो कहते भी रहे हैं काफी दूसरा शेर है एक वक्त हमको था सरे गिरिया के दश्त में जो खार खुश्क था सो वो तूफान रसीदा था गिरिया कहते हैं रोने को दश्त कहते हैं वीराने को या जंगल को खार खुश्क सूखा हुआ कांटा तूफान रसीदा वो जो के जिस तक तूफान पहुंच चुका हो या जिसको तूफान ने बर्बाद कर दिया यहाँ दूसरे मिसरे में पैकर जो है वो बहुत ही आ, समझ लीजिए कि बहुत ही उम्दा है अब तूफ़ान रसीदा के दो माने हो सकते हैं एक तो ये कि तूफ़ान हर खुश्क शाख तक पहुँच गया दूसरे ये कि हर ख़ार खुश्क यानी सूखा हुआ कांटा तूफ़ान के पास पहुँच गया था यानी हमारे उठाए हुए तूफ़ान में बहने और गर्क होने का इतना शौक़ था कि हर खार खुश खींच खींच कर उस तूफान के पास पहुंच गया था पहले मिसरे में एक वक्त हमको था बहुत खूब अंदाज बयान है बहुत उम्दा शेर है तीसरा शेर है जिस सैद गाह इश्क में यारों का जी गया मर्ग उस शिकार गह का शिकार रमीदा था रमीदा का मतलब होता है परेशान वैसे तो आरमीदा भी कहते हैं आराम से भी है लेकिन ये परेशान हाली को यहां पर उन्होंने एक तरह से उसके मानों में यहां पर लिया है गालिब का भी एक शेर है लेकिन गालिब ने थोड़ा सा इस मौजू को आगे लेकर गए सुबह क्यामत एक दम गुरुक थी असद जिस तश्त में वो शोख आलम शिकार था लेकिन दम गुर का मतलब है सुबह काजिब और शोख दो आलम शिकार हुसन के बावजूद एक नुस की वजह से ज़रा शेर कच्चा है ये उस्ताद कहते हैं ख़ासतौर पर शमसरम फ़ारूक़ी साहब ने लिखा है नुस यह है कि शेर में ये बात कहीं वाज नहीं होती कि जिस दशत में वो शोख आ, शोख दो आलम में शिकार था उसी दशत में सुबह क़्यामत की हस्ती सुबह काजिब से ज़्यादा रहती यानी पहले मिसरे में वहाँ या इस तरह का कोई लफ्ज़ होना चाहिए था गाल के शेर में मानवी बारीकियां जरूर मीर के शेर से ज्यादा हैं लेकिन मीर का शेर ज्यादा उमदा है और मानवी लुत्फ से भी खाली नहीं है अगर मौत भागा हुआ शिकार थी यानी शिकार रमीदा परेशान शिकार तो उसके माने ये हुए कि सैदगाह में मौत नहीं थी सैदगा यानी वो जगह जो जहां पर शिकार खेला जाता है लेकिन आशिक फिर भी जान से मारे गए यानी बेमौत मारे गए या फिर यह कि अगर मौत ना भी हो तो आशिक को मौत आ जाती है अब दुनिया में कोई मरे या ना मरे जिस जगह मौत नहीं होती वहाँ भी आशिक की जान चली जाती है दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि जिस दश्त या शिकारगा में आशिकों ने जान दी वो इतना भयानक था कि मौत जो दुनिया में सबसे ज्यादा भयानक चीज़ है वहां से घबरा के भाग निकली आशिक फिर भी आए, साबित कदम रहा और आखिर उनकी जान गई इसका अगला शेर है मत पूछ किस तरह से कटी रात हिजर की हर नाला मेरी जान को तेगे कशीदा था हिजर की रात जुदाई की और तन्हाई की रात जब महबूब करीब ना हो नाला रोने को फरियाद करने को कहते हैं तेख तलवार को कहते हैं कशीदा कहते हैं खींचे हुए को तो अब इसका क्या मतलब होगा यह जब आप शेर की तशी करेंगे तो इन आपको फिर बताते हैं इससे पहली बात तो यह देखिए कि कटी और तेग की रियायत हो है अगर नाला जान के लिए तलवार का काम कर रहा था तो उसके माने ये हुए कि हर नाले के साथ रिश्ता जान भी थोड़ा थोड़ा कट रहा था रात गुजरने के माने तो यह है ही कि उम्र की रात कट गई लेकिन नाला चूंकि तेग कशीदा का काम कर रहा था इसलिए हर ना नाले के साथ उम्र भी घटती जा रही थी अगर मैं नाला ना करता तो शायद मेरी उम्र कुछ लंबी हो जाती इसमें हकीकत निगारी भी है क्योंकि कसरत नाला के बास का की जो बास है वो जहाँ का ही उसी से होती है मत पूछ का मुखातिब जाहिर न करने में लुत्फ यह है कि मुमकिन है ख़ुद माशूक से ये बात कह रहे हूँ इस सूरत में एक पहलू ये भी पैदा होता है कि माशूक ऐसे वक्त में मिला है जब आ करने की वजह से उम्र घट घट कर इतनी कम हो गई कि अब माशूक के साथ सोबत उठाने की फुर्सत बहुत कम रह गई है यानी अगर माशूक मिल भी जाता है तो उसकी जो उसके साथ जो वक्त गुजारने का जो मज़ा है उसका वक्त अब बहुत कम रह गया है नाला और कशीदा की रियायत भी दिलचस्प है क्योंकि नाला भी खींचा जाता है और कशीदा का मतलब वैसे भी खींचने नहीं होते हैं तो मिल मिला आप कह सकते हैं कि शेर बहुत ही आला है आखिरी शेर है इसका हासिर न पूछ गुलशन मशहत का बोल हवस यहाँ पल हरेक दरख्त का हलक बुरीदा था गुलशन बाग को कहते हैं यहाँ पर दुनिया मुराद है मशहद आपने नाम बहुत सुना होगा शहर का नाम भी है बहुत मशहूर गलिबी ईरान के मशहद का मतलब होता है शहीद होने की जगह वो जगह जहाँ पर आदमी शहीद हो जाए और बुरीदा कहते हैं कटे हुए को सर बुरीदा आपने सुना होगा कटे हुए सर का और हलक हलक बुरीदा यानि जिसका हलक कटा हुआ हो इसमें हासिल गुलशन दरख्त फल ये रियायतें बहुत अच्छी हैं फल और बुरीदा भी रियायत है क्योंकि चाकू का फल होता है यानी वो हिस्सा जिससे काटने का काम लेते हैं उसको फल कहते हैं और जिससे खुद फल यानी फ्रूट को काटते हैं दूसरे मिसरे में कई पहलू हैं एक तो ये कि किसी दरख्त में कोई फल नहीं आया बस शहीद होने वालों के कटे हुए गलों को ही दरख्तों का फल समझो फल के माने अगर आप नतीजा फ़र्ज कर लें तो पहलू यह है कि यहां लोगों ने जो दरख्त लगाए उनको उन दरख्तों का फल ये मिला कि उनके गले कट गए पहले मिसरे में अबुल हवस की एक तरह की तम्बी भी है और इतने बहुत सारे गलों के कट जाने पर ख़फ़ीफ़ सा रंज भी है मशहद को गुलशन इसलिए कहा कि उसकी ज़मीन खून शहीदा की वजह से चमन की तरह रंगीन होती है जब गुलशन होगा तो दरख्त भी होंगे और फल भी गुलशन का हासिल फल होता है इस तरह तमाम रियायतें बहुत ही बर्जस्त हो गई शेर बहुत अच्छा है तो मीर की ये गज़ल थी जिसके कुछ मुश्किल अल्फाज की माने भी आपको बतलाया और कुछ शरा करने की भी कोशिश की और इसके लिए हमने उस्तादों के उस्ताद रहमान फारूकी साहब की शरा से मदद ली थी आज के लिए बस इतना ही आपसे किसी और महफिल में किसी और शायर के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त खुदा हाफिज़